में कई भाषा कई धर्म के लोग रहते हैं और अपनी आस्था से जुड़े हुए भी हैं। यहाँ तक कि अपनी आस्था में वो बिल्कुल खिलवाड़ करना पसंद नहीं करते। और तो और भारत में धार्मिक रीति रिवाज तीर्थ दर्शन के नाम पर आसानी से लोग इन्हें ठग भी लेते हैं, ये धोखा भी खा जाते हैं। सीधे साधे लोगों को कई ठग आसानी से अपने ही कब्जे में ले लेते हैं। ठीक ऐसा ही एक मुस्लिम पक्ष के साथ हुआ है। दरअसल हज करना हर मुस्लिम का हसीन ख्वाब होता है। पूरी जिंदगी अपनी मेहनत की कमाई इकट्ठा कर हज पर जाना खुश नसीब माना जाता है, समझा जाता है। ये कोलगवा थाने में एक शिकायत मिली है, करीब 15 लोगों की हमारे जिले में हज के नाम पे एजेंट ने पैसे जमा करवाया, उसके बाद में यात्रा भी नहीं हो पाई और पैसे भी उनका वापस नहीं दिए और कुछ चेक दिए हैं वो जो बाउंस हो रहे करके बता रहे हैं। तो अभी हमने आवेदन जांच पे लिया है, इसकी तस्दीक किए जाएंगे कि पैसे देने की कोई पावती या रसीद तो नहीं या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो नहीं किया है, उसको क्लियर किया जा रहा है, उसके बाद उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का हज का सपना सपना ही रह गया। दरअसल विंध्य क्षेत्र में एक ठगराज ने मुस्लिम समाज के आधा सैकड़ों लोगों को हज यात्रा का ख्वाब दिखाकर ठग लिया। सतना जिले के माधवगढ़ में 16 लोगों को एक दलाल ने हज के नाम पर 64,000 ऐंठ कर वो फरार हो गया। ठगे जाने का एहसास होने पर सभी हज यात्री हज पर जाने की बजाय दिल्ली से घर वापस आ गए और अब संतना के कोलगांव थाने में दलाल के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई। पारिवारिक और आश्रित का फर्ज अदा करने के बाद हर हैसियत वाले मुस्लिम पर अपनी मेहनत की कमाई से हज करना अनिवार्य होता है। हज के अरकान अदा करना, मक्का मदीना की जियारत करना हर मुस्लिम की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश होती है। हर साल भारत के लाखों हज यात्री सऊदी अरब की धार्मिक यात्रा करते हैं। हज कमेटी के अलावा सरल सुलभ हज हेतु टूर एजेंसियां भी हज पर यात्रियों को भेजती हैं। कमाई के चक्कर में ये टूर एजेंसियां हर जगह अपने अवैध दलाल बनाती हैं। सतना के माधवगढ़ में ऐसा ही हुआ है जैसा कि मैंने बताया है, जहां जीलम टूर एंड ट्रेवलर्स के एजेंट रीवा के मऊगंज निवासी वसीम खान ने सतना के नागेद से 1, अनूपपुर जिले के 13 और रीवा जिले के 24 यात्रियों से सरल सुलभ हज के नाम पर 45-45 रुपए ठग लिए। दिल्ली से जाकर वीजा नियम कानून बदलाव के नाम पर 11,000 रुपए ठगी की गई, उसके बाद 8,000 रुपए और ठगे गए। इस तरह सभी 53 हज यात्रियों से 64,000 रुपए ऐड कर वो दलाल फरार हो गया। दिल में हज की तमन्ना लिए बेचारे सभी यात्री पूरे दिन के बाद परिवार सहित दिल्ली में पड़े रहे और निराश होकर अब दिल्ली से वो वापस अपने अपने घर आ गए हैं। जालसाज ठग ने न केवल भावनाएं आहत की बल्कि रुपए के साथ साथ पासपोर्ट तक लेकर रफ चक्कर हो चुके। उमराह जान के बजाय ठगी का शिकार हो चुके ये यात्री अब गाँव वापस आ चुके हैं और हंसी के पात्र बने हैं। समाज और आस पड़ोस के लोग जब से ये वाक्य पूछते हैं उन लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका यही कहना है कि उनके साथ जो ठगी हुई है उनकी काफ़ी बेइज्जती हो गई है, उनके समाज में मुस्लिम समाज में उनकी बेइज्जती हुई है, उनको लेकर काफ़ी लोग काफ़ी कुछ कह रहे हैं। सुनिए उनकी जवानी, ये पूरी घटना का सच। 16 लोगों ने उस साथ हम लोग यहाँ से गए थे, उनका पासपोर्ट पैसा
सब कुछ वो जब्त किए हुए हैं। 13,84,000 रुपये हमारा वहाँ फंसा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए वसीम खान के साथ और हमारा पैसा रिटर्न कराया जाए, हमारा पासपोर्ट उसके पास है वो वापस कराया जाए और हमारे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, ये सबक उसको दिया जाए। भान मांगते धन्यवाद किया गया है। हम सब बूढ़ों बच्चों के साथ सब लोग गए थे, परिवार के साथ गए थे और हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती की गई है और आवाम के सामने यहाँ पूरी कौम में हमारी हंसी हो रही है, उसका उसको परिणाम मिलना चाहिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, रिश्तेदार में हर जगह से टॉर्चर किया जा रहा कि किस तरह आपने काम किया, कैसे लोगों के साथ गए आप, हैं कि वो आपके साथ इस तरह धोखा किया, आप लोगों ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, आप लोगों ने पहले जांच क्यों नहीं की और भरोसे में हम लोगों ने धोखा खाया। अखिलेश संतना के 16 ही नहीं बल्कि रीवा के 24 अनिपुर के 13 हज यात्रियों के साथ ठगी हुई। एजेंट ने लगभग 34 लाख की ठगी की और फरार हो गया। उसके अलावा उसने 64,000 रुपए भी ठगे हैं। टोटल 2,55,000 रुपए है, 25,000 रुपए मैं कल तक के लिए बोला हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, जबकि हमने कमिटमेंट किया था उस टाइम पे। 2,55,000 रुपए, 2,80,000 टोटल मेरे को लेना है, 2,80,000 रुपए टोटल मेरे पैसे नहीं निकल पाए ना, पैसे नहीं निकल पाए, 20,000 से ज़्यादा निकल सकते सही बात है, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। देखो सामने वाला नहीं निकल, सामने वाला समस्या बड़े भैया मैं सब कुछ ठीक है, लेकिन देखो मैं हाँ भैया दिन लीजिए कर ली, अरे भैया आ जाइए। हाँ और क्या क्या इतनी अब क्या क्या सवाल करें यार, सवाल की सीमा होती है, कुछ भी हो पैसा डाले। हमने कहा भाई हमारा पैसा दीजिए, पैसा दीजिए खत्म था भाई, आपको पैसा कर दे दिए तो हमारा तो कहानी खत्म, अब आप वीजा दो ना दो। सतना की ठगी के शिकार लोगों ने मामले की लिखित शिकायत कोलगांव थाने में दर्ज कराई है। सतना पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल का क्या कहना है जरा आप भी सुनिए। हम लोग गए वहाँ, तकलीफ से बीमार पड़ गई है, फिक्र में पैसा हमारा लगा, मेहनत के कमाई वहाँ की हज करने जाएंगे, वहाँ ये अलग खबर मिली हमको, बीमार हो गए वहाँ, बड़ी तकलीफ हुई, अब भी रह नहीं पाते काजे से, और उनको कम से कम पूरी सज़ा मिलना चाहिए, उसने खिलवाड़ किया है काम के साथ। और बहरहाल जिंदगी भर मेहनत मजदूरी की, पाई पाई जोड़कर उम्र के आखिरी पड़ाव पर हज का सपना देखा, पूरी तैयारियां कर नीति रिवाज से रिश्तेदारों के साथ हज यात्रा पर जाने को निकले, मगर किस्मत दगा दे गई। जिसे अपना साथी समझा, जो समाज का ही सदस्य था, उसका ईमान डोल गया और हज यात्रा में जालसाजी कर बैठा, रुपये लेकर रफ चक्कर हो गया। हज यात्रा के सपने तो उड़ान भरे, मगर दिल्ली से इनकी उड़ान सऊदी नहीं पहुंच पाई। अब ये खुद को कोस रहे कि ऐसे एजेंट पर विश्वास क्यों किया, जो धार्मिक यात्रा में भी ठगी का कारोबारी निकला। SPN9 न्यूज से नाजमिन की रिपोर्ट।